मॉर्निंग, जय हिंद। और जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि हर दिन हम लोग यहाँ पर कुछ नई चीजें लेकर के आते हैं कि कुछ नया सीखें। हर स्पीकर साथ कुछ ऐसी चीजें लेकर के आता है जो हमारे में लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी हो जाती है। कुछ हमेशा हम लोग ऐसी चीजें सीखते हैं जिससे हर दिन एक नया आयाम मिलता है हमारे एटमी के लिए। तो वैसा ही एक सेशन लेकर के मैं आप लोगों के साथ आज फिर आई हूँ, जिसका नाम है सोटो मॉडल। और एक सेशन ये ऑलरेडी एक बार हो चुका है मीटिंग में, और उस मीटिंग में भी लोगों की चर्चा ये थी कि आखिर ये है क्या। तो मुझे पता चला कि बहुत सारे लोगों ने इसको गूगल पे भी सर्च किया, बट मैं आप सभी लोगों को बता दूं, क्योंकि ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हम लोगों का जनरल एक सेशन है जो कि हम लोगों के सारे जो भी अभी तक के चीजें जो हम लोग मीटिंग्स में बोलते हैं उससे रिलेटेड ही है, बट एक ऑर्गेनाइज तरीके से। तो शायद आज आप सभी लोग यहाँ से कुछ ना कुछ ऐसी चीजें सीख करके जाएंगे कि शायद ये तो मुझे पता था बट शायद मैं इसे फॉलो नहीं करता हूँ। अच्छा, ये इस तरीके से अगर मैं फॉलो करूँ तो मे भी कुछ और हमारे चेंजेस आ सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ मैंने ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की है जिससे हम सभी लोगों को एक बहुत अच्छा वे हम लोग को मिलेगा काम करने का। और उसी के रिगार्डिंग हम लोगों का ये मॉडल है जिसका नाम है सोटो मॉडल, SOTO। ये एक एब्रीविएशन है, मतलब एक टर्म्स जो हैं उनका फुल फॉर्म है ना। तो ये उन फुल फॉर्म्स को शॉर्ट में करके हम लोगों ने एक एब्रीविएशन, मैंने इसको नाम दिया जिसका नाम है सोटो मॉडल। सोटो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अमेजिंग क्वालिटीज ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। अभी क्योंकि सभी लोग को पता है कि कोविड फिनिश हो चुका है, ऑलमोस्ट सभी लोग अपने नियमित दिनचर्या पे वापस लौट आए हैं। सभी लोग, जिन लोगों का वर्क फ्रॉम होम था वो लोग अब ऑफिस जाकर के काम कर रहे हैं, जो स्कूल थे वो अब वापस से रीओपन हो गए हैं, बच्चे स्कूल में जाकर के अब स्टडी कर रहे हैं, और ऑफिस वाले तो जा ही रहे हैं। उस जगह पे हम लोग जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में अपना काम कर रहे हैं, वहां पर एक चर्चा का विषय है कि कौन सी चीज ज्यादा अच्छी होगी, किस चीज पर अगर हम काम करते हैं तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। कुछ कहते हैं कि ऑफलाइन ज्यादा अच्छा है, कुछ कहते हैं कि ऑनलाइन ज्यादा अच्छा है। जो ऑफलाइन मीटिंग कर चुके हैं, क्योंकि कोविड के सिनेरियो में सभी लोगों ने बहुत सारे फेजेस देखे हैं, और हर एक फेज से जिसने कुछ ना कुछ लर्न किया है ना वो आगे बढ़ा है, लेकिन जो उस लर्निंग फेज में भी नहीं लर्न कर पाया तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिमोटिवेट हुआ है। और ऐसा ही एक चर्चा का विषय जो है वो है ऑफलाइन मीटिंग और ऑनलाइन मीटिंग। तो जहां तक मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सेशन के बाद आपकी इस चर्चा का विषय, एटलीस्ट हम लोग इतने जितने लोग इस मीटिंग में हैं, उनका ये जो कौतूहल का विषय है कि कौन सा ज्यादा अच्छा होगा, वो बिल्कुल भी खत्म हो जाएगा। यहाँ पर वो सारी चीजें आपको देखने मिलेंगी जिसमें आप इन सारे डाउट्स को क्लियर कर पाएंगे, जहां तक मैं अपने एनालिसिस कर पाई हूँ वहां पर आप सभी लोगों को उससे अवगत कराना चाहती हूँ। तो मैं जैसा कि हमेशा कहती हूँ कि मैं खुद अपने सेशन से हमेशा कुछ ना कुछ सीखती हूँ, बिकॉज एवरी सेशन टेक्स 7 to 8 आवर्स। कहीं भी कोई भी हम लोग सेशंस बनाते हैं ना तो उसमें मैक्सिमम 7 से 8 घंटे लगते ही लगते हैं। क्यों? क्योंकि 1 से 2 घंटा तो उसके एग्जीक्यूशन में लगता है, बट 4 से 6 घंटे उस सेशन को प्लान करने में लगता है, और उससे ही कहीं ज्यादा लगता है जब हम उन सेशंस को आप लोगों को बताते हैं या खुद अपने आप पर फॉलो करते हैं, और जब हम उसे अपनी रियल लाइफ में एग्जीक्यूट करते हैं। तो कुछ लगभग 45 मिनट्स में आप सभी लोगों को ये वाइंड अप करने के लिए मैंने सेशन को प्रिपेयर किया है। एक यहाँ पर जनरल, चूंकि ये ऑफलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन का जो सिनेरियो बन रहा है कि विच वन इज बेटर, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन अगर मैं अराइज करूँ कि अगर हमें अपने घर से किसी पास की दुकान पे जाना हो तो आप क्या प्रेफर करोगे, साइकिल से जाना पसंद करेंगे या पैदल जाना पसंद करेंगे?
या अगर कोई आपके घर से दूर पे 2-4 किलोमीटर की डिस्टेंस पे या 10-20 किलोमीटर की डिस्टेंस पे कोई दूसरे स्टेशन तक आप लोगों को जाना हो, और वहां पर जाने का माध्यम या तो नदी पार करके जाना है, बाई स्टीमर हो, बाई बोट हो, या फिर रेल से जाना, और कोई ऑप्शन नहीं हो। पगडंडी का रास्ता नदी से होकर के जा रहा है, इसलिए आप नहीं जा सकते हो, और एक ट्रेन का रास्ता है, वो भी आपको आधे रास्ते पैदल जा करके फिर ट्रेन लेना। तो ये कंडीशन कहीं ना कहीं एक डाउट का विषय तो होगी, पर कहीं ना कहीं अपने आप में आंसरिंग भी है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जिस समय पे आप जा रहे हो नदी के लिए, अपनी बोट को लेने के लिए, स्टीमर्स को लेने के लिए, उस समय वो अवेलेबल ना हो, उनकी टाइमिंग वो नहीं हो, उस समय ट्रेन की टाइमिंग हो, तो आप क्या प्रेफर करेंगे? ट्रेन को। और अगर आपने दिमाग में ये बैठा रखा है कि मैं ट्रेन से चलूंगा, और जब आप स्टेशन पहुंचते हो तो ट्रेन अवेलेबल नहीं हो, उस समय अगर समय है नाव का या स्टीमर्स का, तो डेफिनेटली यू विल गो विथ बोट और स्टीमर। यानी कि किसी भी चीज का किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता। हर चीज की अपनी एक अलग वैल्यू होती है। अगर हम ऑफलाइन को कंसिडर करते हैं, उसका एक अलग बेनिफिट है। अगर हम ऑनलाइन को कंसिडर करते हैं, तो उसका एक अलग बेनिफिट है। तो देखते हैं कि इन दोनों का क्या क्या बेनिफिट है, और इनको किस तरीके से अगर हम करते हैं, तो आप मुझे लास्ट में बताइएगा कि आप किस चीज को प्रेफर जरूर करेंगे, ऑफलाइन या ऑनलाइन। तो चलते हैं अपने मॉडल की तरफ, जिसका नाम है SOTO, सोटो मॉडल, जिसमें सबसे पहले जो है हमारा वो है S। अगर हम बात करते हैं अपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की, अपने एटोमी बिजनेस की, तो डेफिनेटली एटोमी बिजनेस हमारा एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस तो है ही, साथ ही साथ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बिजनेस भी है। अब ई कॉमर्स है यानी कि ऑनलाइन पोर्टल पे हमारी जो भी फैसिलिटीज हैं, तो उसको करने के लिए तो हमको डिजिटल होना ही पड़ेगा। अब आपको अगर एटोमी के ऐप से ऑर्डर डालना है, आपको एटोमी के वेबसाइट से ऑर्डर डालना है, क्यों? क्योंकि आपका घर हरियाणा गुड़गांव हाईवे पे नहीं है, आप अपने जो वेयर हाउस है उसके पास में नहीं रहते हैं, आपके घर के एजुकेशन सेंटर के पास कोई भी फैसिलिटी नहीं है कि आप जाके किसी से कंसिडर कर सको। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपको सोशल मीडिया का सहायता लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा जो एस है, इट विल कंसिडर सोशल मीडिया डिजाइनिंग। सोशल मीडिया डिजाइनिंग का मतलब कि अभी तक जितना भी हम लोग काम किए हैं इस कोविड के ड्यूरेशन में एंड आफ्टर द कोविड, हम सभी लोगों को ये पक्का पता चल गया है कि सोशल मीडिया की पावर क्या है। जितने लोग सोशल मीडिया पे हैं, जो काम कर रहे हैं वो भी, अदरवाइज जो नहीं काम कर रहे ना उनको भी पावर पता है। जो कर रहे हैं उनको प्रोस्पेक्टिंग के लिए पता है, उनको ऑर्डरिंग के लिए पता है, उनको अदर बिजनेस बेनिफिट्स के लिए पता है। लेकिन जो नहीं काम कर रहे ना उनको भी पता है। क्यों? क्योंकि वो अपना आधा से अधिक समय या तो गूगल पे से एक्सप्लेन करते हैं, या फिर फेसबुक पे स्क्रॉल करते जाते हैं, या इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह फॉलो करते हैं, या फिर फेसबुक वगैरह पे। यानी एनी हाउ अगर हम 100% पीपल की बात करें, तो उस 100% पीपल में से लगभग 90% लोग अपने 24 घंटे का लगभग 20 या 18 से 20 घंटा जो है वो सोशल मीडिया के किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे स्पेंड करते ही हैं। वो वजह से भी हो सकता है, बिना वजह से भी हो सकता है। ये है सोशल मीडिया की पावर कि आप एक बार अपना फेसबुक खोल के बैठ जाइए ना, या एक बार अगर इंस्टाग्राम के रील्स खोल के बैठ जाइए ना, तो कब आपके घंटों बीत जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और थोड़ी देर बाद आपको पता चलता है कि अरे 2 घंटे बीत गए, मैं तो 12 बजे से बैठा था, 2 बज गया। फिर आपको लगता है कि अरे मैंने तो इस पे इतना टाइम बिता दिया। जो लोग काम कर रहे होते हैं उनको भी नहीं पता होता है, बट उनका जो आफ्टर जो कंसर्न होता है वो ये होता है, चलो मेरी सेल्स क्लोज हुई, मेरे को इतना ऑर्डर मिला, मैंने 2 घंटा इन्वेस्ट किया तो मेरे को इसका फायदा हुआ। लेकिन जो लोग उसका फायदा नहीं लेते हैं, उनका तो वो टाइम वेस्ट है ना। तो यहाँ पे सोशल मीडिया डिजाइनिंग हम सभी लोगों के लिए आजकल ऑप्शन नहीं है, ये हमारी जरूरत है। कहीं ना कहीं हम लोग इसी पे डिपेंडेंट हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप सोशल मीडिया करोगे या नहीं करोगे, ये सवाल नहीं उठता है, क्योंकि वो तो आपको करना ही करना है। बिकॉज मैंने बताया कि ये ऑप्शन नहीं है, ये नीड है। तो यहाँ पर सवाल क्या उठता है,
यहाँ पर सवाल ये उठता है कि सोशल मीडिया को ढंग से कैसे किया जाए, क्योंकि हर किसी की जरूरत है, तो उसको सिंक्रोनाइज वे में किया जाए, ऑर्गेनाइज तरीके से अगर हम करना चाहें तो क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पर सबसे बढ़िया जो हम लोगों का, सभी लोगों ने, क्योंकि कोविड अभी ऐसा सिचुएशन था ना, जो हमारा ये एपिडेमिक गया है, यहाँ पे हम सभी लोगों ने बहुत सारी चीजें फेस की, बहुत सारी चीजें, आप लोगों को वो परिस्थितियां जो सबके सामने आई है ना, लोगों ने बहुत सारी चीज से उससे लर्न भी की है। जिसने लर्न किया है वो आजीवन उस चीज को याद रखेगा, क्योंकि वो उसका प्रैक्टिकल वे था। सभी लोग जानते हैं कि जो चीज हम सुनते हैं उससे बेटर कि जो चीज हम करते हैं वो ज्यादा दिन तक सही से हमारे दिमाग में रहती है। तो यहाँ पर क्या है, हमारी जो कोर एक्टिविटी है वो सोशल मीडिया के द्वारा रीडिफाइन की गई है। क्योंकि उस समय आप याद करिए, जब हमारे कोविड के समय डेली न्यूज में वो जो डाटे बढ़ रहे थे, डाटा जो था वो एक्सटेंड दिखा रहा था, हर दिन 100, 500, 1000 के करीब केसेस जब एक्सटेंड हो रहे थे, उस समय हम एटॉमियंस मस्ती से जूम मीटिंग कर रहे थे, कोई टेंशन नहीं थी हमको। यानी कि हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग अपने टाइम को इन्वेस्ट कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि हम लोग अगर इस चीज में, इन सारी चीजों में अपने आप को इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमारा उससे फायदा भी होना चाहिए, क्या खाली नुकसान? अगर फायदा होना चाहिए तो किस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि लगभग इस कोविड के सिनेरियो में ना, फेसबुक का जो ट्रैफिक था वो गूगल के ट्रैफिक के बराबर या कहीं कहीं तो किसी किसी दिन उससे ज्यादा हो गया। बिकॉज अगर आप घर पे भी है ना, तो चार अगर प्राणी है घर पे, तो चार में से चारों अपने अपने मोबाइल पे बिजी थे। रीजन, चाहे वो आपका वर्क फ्रॉम होम पर्पज हो, बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हो, हाउसमेकर्स हैं तो वो अपने काम के लिए, हम एटॉमियंस हैं तो अपने पर्पज के लिए उस पर बिजी थे। यानी एनी हाउ हर कोई बिजी था। घर के बुजुर्ग है तो वो कहीं ना कहीं अपना जो इंटरटेनमेंट, क्योंकि बिजी रखना पड़ा हमको, बिकॉज जिसने बिजी नहीं रखा ना, वो या तो डिप्रेशन में चला गया था, वो या तो किसी ना किसी बीमारी से जूझ ही रहा। तो ऐसे समय में क्या था, हम लोगों को इस सोशल मीडिया ने ही कहीं ना कहीं इंगेज करके रखा था। और 279 करोड़ एक्टिव यूजर्स थे आपके फेसबुक पे उस समय, आज से 1 साल पहले, जो कि संख्या आज और बढ़ के आई है। और सिर्फ इंडिया की अगर हम बात करें तो 31 करोड़ एक्टिव यूजर्स, 31 करोड़। यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं टोटल डेटा की, तो बहुत सारे लोग, अगर 279 ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम बात कर रहे हैं और इंडिया में 31 करोड़ है, तो क्या 31 करोड़ केवल अपना काम कर रहे थे? नहीं, 31 करोड़ या तो फेसबुक चला रहे थे, इंस्टाग्राम चला रहे थे, कोई मौज पे रील बना रहा था, कोई जोश पे बना रहा था, कुछ लोग ऑनलाइन शॉपिंग करने में निकाल रहे थे, कुछ लोग रेसिपीज बना रहे थे। यानी कि हर कोई उसमें बिजी था सोशल मीडिया से, कुछ वर्किंग पर्पज से, कुछ नॉन वर्किंग पर्पज से। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर हम इसकी लिस्टिंग करें, सारी जो भी हमारी जो भी यूजर्स हैं, हम लोग अक्सर इस प्रॉब्लम को कहते हैं कि सर कोई सुन नहीं रहा है, और मेरी जितनी कॉन्टैक्ट लिस्ट थी ना वो खत्म हो गई है। भाई, कॉन्टैक्ट लिस्ट खत्म नहीं हुई है, आपने देखना बंद कर दिया है। अब अगर आप सोचिए कि 31 करोड़ अगर यूजर सिर्फ इंडिया में है, तो उसमें से जो काम कर रही हैं उनको अगर हम छोड़ दें, तो उन लोगों पे अगर हम फोकस करें जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या हम इंगेज नहीं कर सकते हैं? क्या हम उनको थोड़ा सा समझा बुझा करके या कुछ अपनी लिस्टिंग को बढ़ाने की कोशिश नहीं कर सकते हैं? क्या हमारे पास इतनी भी स्किल्स नहीं है कि हम किसी को अपने साथ इन्वॉल्व करें? हो सकता है वो आपके साथ काम ना करे, हो सकता है कुछ दिन करे, बट आपकी लिस्टिंग में वो एड ऑन तो होगा, बिकॉज अपने बिजनेस की पावर तो हम सभी लोग जानते हैं ना। हो सकता है कुछ लोग आज जो आपके साथ कर रहे हैं बिजनेस, वो उनके हिसाब से सारे प्रोडक्ट्स, हो सकता है कुछ लोग वेट कर रहे हो कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स का जो लॉन्चिंग फेज में है, हो सकता है कुछ लोग उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट का वेट कर रहे हो जो अभी फ्यूचर में आने वाला है, जिसके बारे में उन्होंने सोच रखा हो कि जब ये वाला हमारा एस्पेक्ट आएगा तब हम इसको करेंगे। यानी कि कोई भी ऐसा नहीं है जिसको कि आप ये सोचो कि ये यूजलेस है मेरे लिए। बट सिर्फ
आपको वो मैग्नेटिक पावर आनी होगी कि आप सोशल मीडिया पे जो लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना, उनको एंगेज करें, उनको मैग्नेटाइज करके अट्रैक्ट कर सके। अब ये कैसे करना है, उसके लिए आपके पास कुछ बेसिक्स होने चाहिए। इनको कहते हैं हम लोग, जैसे सोशल मीडिया आजकल जब भी हम लोग करते हैं, अधिकतर जैसे मैं अपने पोस्ट के ही अगर मैं बात करूं, तो कोई भी पोस्ट अगर हम लोग सिर्फ अगर दूसरे की वॉल से कॉपी करके अगर डाल देते हैं, तो क्या आपको लगता है कि सारे लोग आपकी पोस्ट को देखेंगे? हम लोग कहते हैं ना बड़े आराम से, सर पोस्ट डालते तो हैं, कोई देखता नहीं। कुछ तो ऐसा होगा जो लोग आपके पोस्ट पे इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, उसी जगह अगले की पोस्ट पे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो रीजन कुछ तो कुछ होगा। वो रीजन समझने की बात है, वो स्किल समझने की बात है, क्योंकि कहते हैं नकल में भी अकल चाहिए। अगर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो, वेल एंड गुड, उस कॉपी पेस्ट में थोड़ा सा ट्विस्ट डालो, थोड़ा सा स्पाइस डालो, थोड़ा सा अपना इनोवेशन आप डालो, थोड़ा सा क्रिएशन आप अपना डालो, फिर देखो कैसे कोई आपको इनके इन्वॉल्व नहीं करता, इंट्रैक्ट नहीं करता। सिर्फ कॉपी पेस्ट करने से ना लोग भी उब जाते हैं, और वो जैसे आप स्क्रॉल करते जाते हो ना अदर्स बिजनेस को, वैसे वो भी कर देते हैं। तो हमें क्या करना है, क्रिएशन, यानी कि हमारे पास सोशल मीडिया है, हमको उसे डिजाइन करना। अब डिजाइन के लिए भगवान ने इतना अच्छा सा ब्रेन हम लोग को दे रखा है, तो हम लोगों को क्या करना है, उसमें बस अपने आप को एंगेज करना। पूरा मकड़ जाल हो रखा है ये सोशल मीडिया, हर कोई बिजी है, कुछ काम से कुछ ऐसे, तो हमें ऐसे लोगों को ढूंढना होगा। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि कोई सुन नहीं रहा है या मेरे पास लिस्ट खत्म हो गई है। आपकी लिस्ट एक से खत्म हुई है, यहाँ पे सैकड़ों लोग बैठे हैं, लेकिन वो देख रहे हैं। हम लोग कहते हैं ना कि हम जैसे अच्छा डाउनलाइन चाहते हैं ना, वैसे ही लोग भी अच्छा अपलाइन ढूंढते हैं। और क्योंकि ये बिजनेस पावर लैक का नहीं है, तो इसलिए आपको अपना अप्रोच मल्टीपल टाइम्स बढ़ाना भी पड़ेगा। क्योंकि एक वो बिजनेस होता है जहां पे लोग कहीं भी जुड़ जाते हैं पावर लैक दे करके, वहां पे एक उनका जो भी अमाउंट वगैरह होता है, उस अमाउंट से खरीद भी लिया जाता है समटाइम्स वो बिजनेस को। तो ऐसा हमारे एटोमी में तो कुछ भी सिस्टम नहीं है। यहाँ पे तो जो भी बंदा लगेगा उसको फ्रॉम द बिगिनिंग ही काम करना है। उसको दो लोग जोड़ने हैं, उन दो के चार करने हैं, चार के 100 करने हैं, 100 के 1000 करने हैं, एंड देन लेटर। तो इसमें आपको क्या लगता है, इतनी आसानी से हो जाएगा? बहुत मेहनत करनी पड़ेगी हम लोगों को, हम सभी लोग कर रहे हैं, और सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं होगा, यहाँ पे आपको स्मार्ट वर्क की जरूरत है। कहते हैं कि पोस्ट और एडवर्टीजमेंट, लोग क्या करते हैं, इनकी वॉल से पिक्चर निकाली, मैसेज को पोस्ट किया। कई बार होता है कि हम लोग अंतर भी नहीं समझ पाते हैं कि हम एडवर्टाइज कर रहे हैं या पोस्ट कर रहे हैं। इट्स अ काइंड डिफरेंस, छोटा सा डिफरेंस है यहाँ पे कि पोस्ट क्या होती है और एडवर्टाइज क्या होता है। पोस्ट नॉर्मली जब आप किसी चीज के लिए, यानी अपने बिजनेस के बारे में डिटेल्स लिखते हैं, नो डीएम, नो कॉन्टैक्ट, नी नथिंग एल्स, ओनली आपके बिजनेस की इंफॉर्मेशन, वाई यू आर स्मार्टर देन अदर, वाई यू आर ग्रेटर देन अदर, उसको एक पोस्ट में कंपाइल करके जब आप उसको अपने वॉल पर अटैच करते हैं ना, वो पोस्ट कहा जाता है। हम लोग नॉर्मली क्या लिख करते हैं, एडवर्टीजमेंट, बिकॉज हमारी पोस्ट जो होती है वो कैसी होती है, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, पहले इतना था, पहले ऐसे थे, आफ्टर द इवनिंग केयर ये हुआ। ये क्या हुआ है कि एडवर्टीजमेंट हुआ, आपने उसका प्रमोशन किया, है ना, ये पोस्ट नहीं हुआ, इट्स एडवर्टीजमेंट। एंड द सेकेंड थिंग कि यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा और भी समझदारी करें, कुछ लोग क्या होता है जैसे इवेंट्स में हम लोग जाते हैं, हम लोग उन इवेंट्स की 50 फोटो डाल देते हैं, और उसके बाद सिंपली उसका थोड़ा डिटेल लिखते डीएम में फॉर दिस बिजनेस, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट। तो अब यहाँ पर मैटर ये करता है कि आपने जब अपना पोस्ट डाला तो वो आपकी एक्टिविटी थी, आप इवेंट में गए, वो कोई एक्टिविटी नहीं है हम लोगों को, वो हमारा एक प्रमोशन है कि हम इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं। अगर आपको भी ऐसे किसी अपॉर्चुनिटी का हिस्सा बनना है तो आप हमारे साथ आकर जुड़िए। पोस्ट क्या होगा कि आप अपने बिजनेस की खासियत बताइए, क्योंकि इवेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन, ये हर
बिजनेस करता आज के डेट में, छोटा हो बड़ा हो दैट इज डिफरेंट, बट होता सब जगह है ना, हर किसी का तरीका अलग अलग होता है। तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस समझना पड़ेगा। व्हेन वी आर पोस्टिंग अ पोस्ट, व्हेन वी आर पोस्टिंग एन एडवर्टाइजमेंट, दोनों चीजें पोस्ट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज हम सोशल मीडिया पे अगर हैं तो हमें ये नहीं पता है कि कौन हमारे पोस्ट देखना पसंद करता है, कौन हमारे एडवर्टाइजमेंट देखना पसंद करता है। तो वहां पर सिर्फ एक चीज आपको दूसरे लोगों से अंतर करनी है, उसको क्रिएशन में रखना। अगर आप कॉपी पेस्ट भी कर रहे हो तो कुछ इस तरीके से वहां पर अपनी ट्विस्टिंग करिए कि वो लगे कि आपका सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं है, आपका क्रिएटिव वे में पोस्टिंग है या एडवर्टीजमेंट है ना। तो यहाँ पर अगर एक जनरल भी मैं अगर एग्जांपल देखूं कि मान लीजिए अगर हम लोग को कुछ भी ऑनलाइन शॉपिंग करनी होती है ना, हम फेसबुक पे जाते हैं या अमेजोन फ्लिपकार्ट पे जाते हैं, ऑब्वियसली बात है हम अपने ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जाते हैं। मेरे को अगर कुछ भी खरीदना होगा, एटॉमिका रोज रेन मिस्ट अगर मुझे खरीदना है, तो मैं फेसबुक पे थोड़ी जाऊंगी, मैं तो अपने एटॉमी के ऐप को ओपन करूंगी। अगर मैं ज्वाइन नहीं भी हूँ, मान लीजिए मैंने किसी से सुन ही रखा है कि प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे, तो क्या मैं फेसबुक पे जाऊंगी? नहीं, मैं फेसबुक पे कब जाऊंगी? जब मुझे वहां पर सेल्फ बाइंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा। मेरे को कोई ड्रेस अच्छी लग रही है तो मैं अमेजोन फ्लिपकार्ट या मिंत्रा अदर जो भी ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है मैं वहां पर सर्च करूंगी ना, मैं फेसबुक इंस्टाग्राम पर थोड़ी सर्च करूंगी। कई बार हम लोग यही गलतियां कर देते हैं क्योंकि हम ये समझ नहीं पाते हैं कि सोशल मीडिया एक्चुअली है क्या। तो सीधी सी बात है, सोशल मीडिया, मीडिया के थ्रू सोशल होना, सोशल होना मतलब कम्युनिकेशन, कन्वर्सेशन, कॉन्टैक्ट। अब ये कॉन्टैक्ट आपका एक जनरल फ्रेंडशिप के लिए हो सकता है क्योंकि बिजनेस के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, बट सोशल मीडिया पे लोग फ्रेंडशिप के लिए आते हैं, एक दूसरे से मिलने के लिए आते हैं, कई बार लोग यहाँ पर पेयर करने के लिए भी आते हैं, कई बार लोग यहाँ पर अपने बिजनेस पार्टनर्स के लिए भी आते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? एक कम्युनिकेशन मिलेगा, एक कम्युनिटी मिल सकती है। कई बार होता है ना, हम लोगों के क्वेश्चंस ये होते हैं कि मैम पोस्ट तो किया था, लोग देखते नहीं हैं, लोग फालतू की बकवास करते हैं। वो बकवास नहीं कर रहे हैं, वो अगर हमारे साथ इस तरीके की बात कर रहे हैं तो ये सोशल मीडिया का दायरा ही है। हमें क्या करना है? हमें सिर्फ अपने आप को ऑर्गेनाइज रखना, हमको रिजिड रखना है कि हम एक्चुअली सोशल मीडिया पे अपना समय क्यों लगा रहे हैं। क्या हम सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं इस पिक्चर में बैठे हुए बंदे की तरह, या उस बंदी की तरह अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए? तो ये चीजें हम लोगों को समझनी पड़ेगी। बहुत तरीके के लोग आपको सोशल मीडिया पर मिलेंगे, बट मोस्ट ऑफ द पीपल आपको बात करने के लिए मिलेंगे। आपको क्या करना है? आपको पहले वहां पर अपने आप को उनके साथ कोरिलेट करना है ना, उनसे हम लोगों को कोरिलेट करना है। अब कोरिलेट करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? ओ फॉर्मल, SOTO मॉडल का ओ फॉर्मल। अब ये ओ क्या है? दिस ओ रिकमेंड्स ऑनलाइन टेक्नोलॉजी। अब अगर आपको किसी से बात करना है तो कुछ ना कुछ तो टेक्नोलॉजी हमारे पास होनी चाहिए। अब टेक्नोलॉजी के रूप में हमारे पास क्या होता है? मैसेंजर हो गया, हमारे पास अदर ऑप्शंस हो गए, हम चैट कर सकते हैं वहां पर, आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, आप ऑडियो कॉल हो कर सकते हैं। ये क्या हो गई? उसकी टेक्नोलॉजी हो गई। तो आपको क्या करना है? आपको उन सारी चीजों को जो भी ऑनलाइन उस पे हम लोग काम कर रहे हैं प्लेटफॉर्म पे, तो वहां पर टेक्नोलॉजी का यूज करना है। कई बार होता है कि हम लोग अपने पोस्ट डालते हैं, बहुत सारे लाइक्स आते हैं। मान लीजिए कोई बहुत पॉपुलर पर्सन है, उसके बहुत सारे लाइक्स आते हैं, और वो किसी बिजनेस से अटैच होता है, सिंपली एक पोस्ट डाला एंड 200-500,000 लाइक्स आ गए, बट उसकी प्रॉब्लम क्या है? उसको बिजनेस नहीं आ रहा। देन ये एक प्रॉब्लम, लाइक्स मिलना नहीं मिलना ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि वो सोशल मीडिया पे पॉपुलर भी है, सोशल मीडिया पे लोग उसको देख भी रहे हैं, तभी तो लाइक कर रहे हैं, फिर भी बिजनेस नहीं आ रहा है। दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। दैट मीन्स कि यू नीड हैव टू चेंज, आपको वहां पर अपना काम करने का तरीका बदलना होगा। क्यों? क्योंकि लोग वहां पर आपको एज अ पॉपुलर पर्सनालिटी देख रहे हैं। हमें क्या करना है?
हमें उनको इंटरैक्ट करना है, अपने बिजनेस में लाना है, तो हमें कुछ ऐसा करना होगा। और यहाँ पर ही हम लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, अगर हम सोशल मीडिया पर प्रमोट करना जा रहे हैं, तो वहां पर सबसे बड़ी हम गलती क्या करते हैं कि हम अपने पर्सनल अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट के साथ मर्ज कर देते हैं। ये हम चालाकी करते हैं कि हमारे जो फैमिलीज वाले हैं ना, हमारे फ्रेंड्स जो है ना, वो हमारे पोस्ट को देखते हैं, बट एक्चुअली क्या होता है कि वो शायद बोर हो जाते। एक समय ऐसा होता है कि आपके फैमिली वाले भी आपके उस पोस्ट को नकार देते हैं। और रीजन क्या होता है, उसका जो कंक्लूजन क्या निकलता है, रीजन ये होता है क्योंकि वो आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रहा है, फैमिलियर होने की। आप क्या कर रहे हैं, उसको बिजनेस वे में कन्वर्ट कर। तो इनको हम अलग अलग रख के तो ज्यादा बेटर, कभी भी इनको मर्ज ना करें, है ना। और इस सारी चीजों के लिए जो टेक्नोलॉजी है, इन टेक्नोलॉजी को भी सीखना। अब जैसे हम लोग टेक्नोलॉजी की ही अगर बात करते हैं, तो टेक्नोलॉजी में क्या है कि आपको पूरा बिजनेस मालूम है, आपको एटमी का ए बी सी डी से लेकर जेड तक मालूम है, लेकिन आप किसी के साथ अपनी चीजों को शेयर नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको प्लान देना नहीं आता, आपको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं पता। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ चीजों को सीखना पड़ेगा। आपको वीडियो कॉल आना चाहिए, अगर आप जूम पे प्रमोट कर रहे हैं बिजनेस को, तो आपको शेयरिंग स्क्रीन की जो टेक्नोलॉजी है उसको सीखना चाहिए कि कैसे शेयर करते हैं। अगर हम किसी चीज को बना रहे हैं दूसरे को समझाने के लिए और हम शेयर ही नहीं कर पाए, तो क्या होता है, वहां पे हम खुद ही हरास हो जाते। तो कोई भी चीज, किसी भी बिजनेस में उतरने से पहले अपने आप को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी। इसके लिए आपके पास बहुत सारे ऑफलाइन कोर्सेज भी हैं और साथ ही साथ बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं, भरमार है। पर यहाँ पर आपको अपनी कुछ चीजें इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, दैट मीन्स टाइम प्लस सम फंडिंग। बिना कुछ भी इन्वेस्ट किए किसी को कुछ भी हासिल नहीं होता है। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट वाले कोर्सेज के बारे में जा रहे हैं तो टाइम देना पड़ेगा, और अगर कुछ हाई टेक्नोलॉजी कोर्सेज की बात कर रहे हैं तो वहां पर कुछ फाइनेंस भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और तब जो आउटपुट आएगा वो बेहतरीन। अगर आप सोशल मीडिया पे प्रमोट लिटरली करना चाहते हैं, वहां से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको दूसरे को प्रमोट करने से पहले क्या करना होगा, खुद पर काम करना होगा, खुद की लर्निंग को बढ़ाना होगा, इन्हांस करना होगा। अब उस लर्निंग के लिए आप चाहे मीटिंग्स ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, ऑफलाइन जाकर के किसी से सीख रहे हैं, किसी, अब ये जो सिखाने वाला हो सकता है ना, कोई भी हो सकता है, वो आपका खुद का पर्सनल फ्रेंड हो सकता है, आपके बहन हो सकती है, आपका भाई हो सकता है, आपके मदर फादर भी हो सकते, हो सकता है वो भी सेम प्रोफेशन में हो। तो यू नीड टू हैव फाइंड अ बेस्ट ट्यूटर। अब वो उसके लिए आपको देखना होगा कि विच वन इज द बेस्ट सोर्स, आप क्या अफोर्ड कर सकते हैं। और क्योंकि हम लोग ये कहते हैं कि एटोमी बिजनेस हर किसी के लिए है, तो यहाँ सीखने के लिए भी हमारे पास हर तरह के टूल्स वगैरह भी है। यहाँ पे आप जाकर के मार्केट में बहुत सारे जो क्लासेस हैं उसमें जाकर के भी सीख सकते हैं, या आपके पास अगर लैपटॉप है तो बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं जिसमें ओडेमी है, या आपके वर्कशॉप्स वगैरह होते हैं ऑनलाइन, उन सारी चीजों पे कर सकते हैं। बट इसके लिए क्या करना होगा, हमको अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हम लोग कितनी आसानी से कह देते हैं ना, टाइम नहीं मिलता यार, टाइम मिलता नहीं है किसी को, टाइम निकालना पड़ता है। टाइम हम सभी के पास है, वही 24 घंटे वाला, इसी 24 घंटे को ही तो 24x7x365 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 24 घंटे तो सब लोग लगा रहे हैं, हम एटोमियंस है ना, तो कुछ हटके करते हैं। 24 घंटे को 4x7 डेज में कन्वर्ट करते हैं, 24 घंटे x7, और उसको फिर 365 में कन्वर्ट करते हैं। ये कैसे होगा, ये तब होगा जब हम अपने बिजनेस को एक आकार देने के लिए खुद को तैयार करेंगे। सिर्फ एक्सक्यूजेस से काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। जब हम आए थे दुनिया में ना, तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, बट आज कोई रतन टाटा और कोई अंबानी बन के बैठा है ना। जन्म लेते समय सब ऐसे ही आते हैं,
सिर्फ लेके आते हैं अपने साथ तो एक दिल, एक दिमाग, कुछ और पार्ट्स जिसको भरना जरूरी होता है, जिसे हम पेट कहते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि उस पेट की भूख किसकी कितनी जैसी है, कैसी है, उसके हिसाब से वो अपनी कार्यकलापों को अंजाम देते। तो क्या करना है हम लोगों को, लर्निंग लर्निंग करने के लिए। अब ऑनलाइन लर्निंग्स हैं तो ऑनलाइन टूल्स भी बहुत सारे हैं, यानी कि SOTO का टूल्स। वी शुड अडेप्ट करेक्ट चॉइस ऑफ ऑनलाइन टेक्नोलॉजी बाय सेलेक्टिंग करेक्ट टूल्स। ऑनलाइन टेक्नोलॉजी सीखने तो चल रही है। अब जैसे मान लीजिए SOTO मॉडल का टी आपको टूल्स पता चल गया। अब जैसे मान लीजिए मैं एक टीचर हूँ। अब एक टीचर के पास टूल क्या होता है, बुक्स होती हैं, आपके फोल्डर्स होते हैं। अगर मैं SST की टीचर हूँ तो मेरे पास ग्लोब होगा, साइंस की टीचर हूँ तो मैग्नीफाइंग ग्लासेस होंगे, कंपस होगा, आपके पास अलग से स्क्रू ड्राइवर्स वगैरह वाला जो होगा, माइक्रोस्कोप होगा, हमारे पास बीकर्स होंगे, टेस्ट ट्यूब्स होंगे, बहुत सारी चीजें। मैथ्स के होंगे तो कैलकुलेटर्स होंगे, आपका कंपस होगा, डिवाइडर होगा, रूलर होगा, एवरीथिंग। यानी कि बीइंग अ टीचर मेरे पास मेरे टूल्स होने चाहिए ना। मैं क्लास में जा रही हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं किस तरह की टीचर, कैसे लिखाऊंगी बच्चों को, कैसे समझाऊंगी बच्चों को। चॉक डस्टर होना चाहिए ना। अगर मैं ऑफलाइन क्लासेस ले रही हूँ तो मेरे पास चॉक एंड डस्टर होना चाहिए ना, कि जो भी कॉन्सेप्ट मैं बच्चों को बता रही हूँ वो क्या पता ड्रॉ करके समझाना पड़े। और अगर मेरे पास स्मार्ट क्लासेस हैं तो मेरे को वो लैपटॉप पे या जो मेरा डिजिटल फंक्शन है उसको करने तो आना पड़ेगा ना, कि मैं बच्चों को विजुअलाइज करके दिखाऊं कि मैं एक्चुअली उनको पढ़ा क्या रही हूँ। मैं पढ़ा तो उनको साइंस रही हूँ, मैं बता तो उनको फ्लावर्स के बारे में रही हूँ, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस के बारे में बता रही हूँ। अब बच्चे को पता ही नहीं कि हिबिस्कस दिखता कैसा है और ड्राइंग मेरी खराब है, तो मैं ड्रॉ करके भी नहीं बता सकती हूँ कि बच्चा कैसा देख रहा है। तो वहां पर मेरे पास अगर स्मार्ट क्लासेस के ऑप्शन है तो मैं बच्चे को या तो उस स्मार्ट क्लास को ऑपरेट करके दिखाऊं, या फिर मैं घर से उस गुड़हल के फूल को तोड़ के लेकर के जाऊं कि बेटा इस तरीके का दिखता है। यानी एनी हाउ मेरे पास टूल्स होने चाहिए। एक इलेक्ट्रिशियन है, आपके घर में कुछ रिपेयरिंग करने आता है, घर से टेस्टर प्लास प्लायर भूल जाता है, वाइंडिंग टेप लेकर के आता नहीं है, तार कटा हुआ है, कनेक्ट उस पर से करंट आ रहा है, वो कैसे काम करेगा, उसके पास तो टूल ही नहीं है। नाली में लीकेज है, आपने जो प्लम्बर बुलाया उसके पास सकर्स ही नहीं है, वो उस पानी में से जो उसका चोक हुआ है उसको कैसे निकालेगा। यानी कि हर एक चीज बिना टूल्स के नहीं हो सकती है। आप एक अच्छे लर्नर हो, लेकिन उस लर्निंग का क्या फायदा कि जब आप उस लर्निंग को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। सिर्फ एक कान से हम सुन रहे हैं, मीटिंग्स में हाँ कर रहे हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, एंड आफ्टर द मीटिंग्स गायब, क्या बताया क्या नहीं बताया कुछ भी नहीं पता। तो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, टूल्स इज वेरी मस्ट। किस तरीके से जरूरी है, ये सारी चीजों के लिए जरूरी है आपका अपडेट होना, आपका खुद पे काम करना कि वाई द टूल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर द ऑनलाइन टेक्नोलॉजी, इवन फॉर ऑफलाइन टेक्नोलॉजी। अगर आप किसी के घर पे जा रहे हैं बिजनेस प्लान समझाने और आपके पास ब्लैंक शीट नहीं है, या आपके पास आपके जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड कुछ पिक्चर्स नहीं है, या प्रोडक्ट्स डेमो के लिए नहीं है, तो आप कैसे दिखाएंगे प्लान। अगर हम ऑफलाइन की भी बात करते हैं तो आप चल दिए हैं सिर्फ हाथ खाली लेकर के कि बस मिल के आते, पता है मैंने ना एक बिजनेस ज्वाइन किया है और उस बिजनेस में ना ये चीजें हैं, ये इस तरीके के प्रोडक्ट हैं, कुछ हेल्थ के हैं, कुछ स्किन के हैं, हेयर के हैं। जिस तरह से आपने हवा में बात करी, सामने वाले ने भी हवा में सुन के उड़ा, बात आई और गई हो गई। और फिर हम लोग क्या कहते हैं, कोई नहीं सुनता है, मैम बताया भी था, मैम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं लोग। क्यों ध्यान देंगे, सबसे पहले आपको अपने पे काम करना होगा, आपको उन टूल्स को डेवलप करना होगा, आपके साथ अपनी आप पर काम करना होगा। कि हम जब भी किसी के पास जा रहे हैं, हमारे पास अगर हम ऑनलाइन तरीके से समझा रहे हैं तो हमारे पास एक प्लान प्रेजेंटेशन का PDF भी होना चाहिए, कि हमारे पास लैपटॉप अगर है तो हम लैपटॉप पे उनको दिखा सके कि भाई ये इस तरीके का है। अगर आप मान लीजिए कई बार होता है कि हम लोग को एक शॉर्ट ड्यूरेशन में हो जाता है कि हम प्रोडक्ट नहीं लेकर के जा पा सकते हैं वहां पे, तो हम वहां पर अपने मोबाइल को ऑपरेट करके वहां पर दिखा सकते हैं, लैपटॉप वगैरह है तो इजीली दिखा सकते हैं। तो ये सारी चीजों को भी हमको प्रेजेंट करना आना पड़ेगा ना। हर चीज आप साथ में लेकर के नहीं जा सकते हैं, आज हर जगह वो किलो भर के प्रोडक्ट भी आप नहीं लेकर के जा सकते हैं, बट आप हर जगह अपना मोबाइल जो रखते हैं ना, बी हैंडी।
तो वहां पर क्या करना है, हम सभी लोगों को अपने टूल्स पर फोकस करना है, बिकॉज टूल्स आर द कोर बेस ऑफ सोशल मीडिया और डायरेक्ट सेलिंग, या और अदर कोई भी बिजनेस की हो उसके लिए टूल्स की मास्टरी बहुत जरूरी है। क्योंकि आपके पास कम टूल है इससे फर्क नहीं पड़ता, आपके पास टूल्स नहीं है ये ज्यादा मायने होता है, क्योंकि बिना टूल्स के आप कुछ नहीं कर सकते। टूल्स इज वेरी मच नेसेसरी। कपड़ा है कोई, उसका धागा उधड़ गया है, मेरे पास सुई भी नहीं है ना मेरे पास मशीन है, और मेरे को वो सिलना है, मुझे क्या करना पड़ेगा? या तो मैं वहां पर 150 रुपए देकर के किसी टेलर से कराऊं, और जरा सा था, सिर्फ एक सुई धागा नहीं होने की वजह से, सिर्फ एक सिलाई मशीन, मुझे चलाने नहीं आने, मेरे घर में सिलाई मशीन भी है और मुझे चलानी नहीं आती हो अगर, तो बेकार है। हमारे पास सारी चीजें हैं फिर भी हम उसको यूज नहीं कर रहे, यूज करना आता नहीं है, तो वो बेकार। तो कोई भी चीज है आपका, टेक्नोलॉजी अगर आप करने चल रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन से रिलेटेड हो या ऑफलाइन से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी इज मस्ट। खास तौर से ऑनलाइन में तो आपको बहुत ही ज्यादा अपग्रेड होने की जरूरत है, क्योंकि जो आज स्मार्टफोन आपने रखा है ना, वो भी हर 2 महीने 3 महीने पे अपना अपडेट करता है। क्यों? क्योंकि उसे बाहर के मोबाइल के सेट के साथ कंपटीशन लेना है। हम अपने प्ले स्टोर पे जाकर के अपनी एप्स को अपडेट करते हैं, क्यों? फॉर द बेस्ट फीचर्स। कुछ बग्स वगैरह हैं, कुछ वायरसेस हैं, तो उनको फिक्स करने के लिए, वो जरूरी भी, अगर आप नहीं करेंगे ना तो आपका फोन हैंग कर जाएगा। तो जब फोन एक मशीन है, उसको अपडेशन की जरूरत है, तो वाई डोंट अस, हम क्यों नहीं कर रहे हैं अपने आप को अपग्रेड? अब यहाँ पे सबको पैसिव इनकम तो चाहिए, सभी लोग यहाँ पर एटोमी क्यों कर रहे हैं? पैसिव इनकम करनी, आपको पैसिव इनकम भी करनी है और आपको मेहनत भी नहीं करनी। क्यों? क्योंकि एटमी में बोला गया है फ्री रजिस्ट्रेशन है, ये फिजिबल वाला वर्क है, आराम से करना है, तो हम नहीं कर, बिल्कुल गलत है। फिजिबल का बिजनेस है, यहाँ कि आपको प्रेशर नहीं लेना है फाइनेंशियल के लिए, टारगेट्स नहीं लेने हैं, क्योंकि आपको किसी को कॉल कर करके बार बार ये नहीं बोलना पड़े कि इस बार प्रोडक्ट खरीदो उस बार वो करो, ऐसा ये चीज बोली जाती है। बट आप बिजनेस में आए हो तो आपको लोगों को अवेयर करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट से, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के, अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट्स के लिए, क्योंकि लाखों प्रोडक्ट इस मार्केट में हैं, तो कोई आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा क्यों? हम कहते हैं हमारे प्रोडक्ट्स नेचुरल हैं, बहुत सारे हैं, पतंजलि भी नेचुरल प्रोडक्ट्स को सेल करता है, तो लोग एटोमी को क्यों लेंगे? आपको पता होना चाहिए ना कि हमारे प्रोडक्ट्स में फ्रेश हर्ब्स के एक्सट्रैक्ट होते हैं, जो कि हाईली डिफाइंड टेक्नोलॉजीज के द्वारा बनाए जाते हैं। उसी जगह पे हम लोगों का जो अदर नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं वो हमारे ड्राई हर्ब्स से बनाए जाते हैं, तो वो चीजों को आपको कोरिलेट करना पड़ेगा ना, कि एक सूखी तुलसी के पत्ते का काढ़ा आप पीते हैं और एक ताजे तुलसी जी की पत्ती निकाल करके काढ़ा बनाते हैं, दोनों में टेस्ट का फ्लेवर अंतर आ जाता है। That means कि हम लोगों को अपने चीजों के बारे में विशेषज्ञता होनी चाहिए, स्पेसिफिकेशन करना पड़ेगा, अदरवाइज कंपटीशन के लिए बहुत सारी नेचुरल चीजें हैं हमारे मार्केट में। नेक्स्ट जो है, अगर हम लोग एक जनरल एग्जाम्पल दें, ये आप सभी लोगों को पता होगा, जैसा कि स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा है, मैकडोनल्ड्स और डोमिनोज मैक्सिमम एक वीकेंड्स या वीकडेज में से हम लोग इसको यूज करते ही है ना। तो मैकडोनल्ड्स क्या है, एक आलू टिक्की बनाता है। आलू टिक्की सिंपली आलू को बॉईल कर देना होता है और फिर उसके बाद उसको मैश करके फिर उसकी टिक्की जैसी बना के घर पे आराम से बन जाती है, लेकिन फिर भी वो जो मैक आलू वाला है ना, वो 250-300 रुपए वसूल करता है और हम पे करते हैं। सबसे मजेदार बात, हम पे करते हैं, तो हमें क्या करना है, उसको देखना पड़ेगा कि वो क्या ऐसा कर रहा है। अदरवाइज हमारे घर में भी आलू आ रहे हैं, क्या हम ये नहीं बना सकते हैं? सिर्फ वो वेजिटेबल्स को डाल देता है, वो कुछ सॉसेज उसमें डाल रहा है, उसके बाद वो वही टिक्की जो हम अपने घर पे बना रहे हैं उसके बीच में स्लाइस डाल रहा है, फिर वो वेजिटेबल के लीफ जो स्ट्रक्चर होता है, कुछ खड़े कटिंग वेजिटेबल, चॉप्ड वेजिटेबल जिसे हम कहते हैं, उसको डाल देता है, और फिर वो दोनों बर्गर्स को बंद करके आपको प्रोवाइड करते हैं, सिंपली एक बटर पेपर में लगा कर, और हैप्पीली हम वहां पर पे करते हैं, और दिन भर में नहीं तो नहीं करोड़ों मैक आलू बर्गर टिक्की बिकती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। करोड़ों तो मैंने एक कम संख्या बताई,
ये आप एक जनरल एस्टिमेटेड है कि इतनी बिकती है और लोग खरीद रहे हैं। रीजन उसका ऑनलाइन टेक्नोलॉजी एंड टूल, उसकी स्ट्रेटेजी, उसके पास क्या है, रिसोर्सेज हैं, लेकिन कस्टमाइज वे में सिस्टमेटिक तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से काम करने वाले, जिस तरीके से हमको भी करना होगा। डोमिनोज है क्या, सिंपली वो मैदा का बेस बना देता है, उसमें एक लेयर सॉस की लगा दी, ऊपर वेजिटेबल डाल दिया, चीज डाल दिया, बेक कर दिया, खत्म का, आराम से घर पे भी बन जाता है। लेकिन फिर भी क्रेविंग होती है डोमिनोज की, क्यों, क्योंकि उसका एक स्पेशल स्पाइसेस आता है, जो उसका सीजनिंग होता है वो एक स्पेशल सिर्फ वो अपनी फैक्ट्री में बनाता है, जिसका कोर सीक्रेट किसी को भी नहीं पता। तो हम लोगों को भी अपने बिजनेस का वो कोर सीक्रेट ढूंढना पड़ेगा कि हम भी ग्लोबली, क्योंकि हमारा भी बिजनेस ग्लोबली, हमारे पास पूरे पूरे चांसेस हैं अपने आप को हर तरीके से एक्सपेंड करने के। तो क्यों ना हम अपने आप को अपग्रेड करें, और उसमें हमारा ये मॉडल जो है वो पूरी तरह से काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, सिर्फ टूल्स और सिस्टम पे काम करते हुए अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना। और यहाँ पर अगर हम लास्ट अब लेते हैं, वो है हमारा ओ, दैट इज SOTO का ओ, रिकमेंड्स ऑफलाइन इवेंट्स एंड मीटिंग्स। अभी तक हम बात कर रहे थे ऑनलाइन मीटिंग्स किस तरीके से बेनिफिशियल है, अभी हम बात करते हैं ऑफलाइन मीटिंग्स किस तरीके से सही है। तो सभी लोग जानते हैं कि अगर आप ऑफलाइन में हैं, ऑनलाइन में क्या होता है कि अभी जैसे जूम पे ही अगर हम लोग बात करें तो मैक्सिमम लोग म्यूट करके अपना काम कर रहे होते हैं, सुन रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो सबको पता तो है कि प्रेजेंट है ना, इतना भी काफी होता है बहुत सारे लोगों के लिए। बट कुछ लोगों का क्या होता है, कुछ काम अर्जेंट होते हैं तो वो म्यूट भी रहते हैं, बट कान रहता है मीटिंग पे कि एटलीस्ट सुन रहे हैं। बट कुछ लोग क्या होता है, सिर्फ प्रेजेंट लगाने के लिए यहाँ पर होते हैं, एंड आप उनसे आफ्टर द सेशन अगर पूछेंगे ना वो गायब होता है। बट ऑफलाइन मीटिंग में ऐसा पॉसिबल नहीं होता, अगर वहां पर चार लोग हैं ना तो चारों पे आपका आई कॉन्टेक्ट होता है। अगर आप एक अच्छे वहां पर टीचर की तरह या एक अच्छे वहां पर बिजनेसमैन की तरह बात करते हैं ना, तो आप लोगों को इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, सभी लोगों को इन्वॉल्व करते हैं अपने साइड, क्वेश्चन पूछ पूछ के, कुछ क्वेरी है, अच्छा बताइए अभी ये सब चीजें जो है वो आपने करा, अभी जो मैंने आपको बताया उसमें बेस्ट पार्ट क्या लगा। अब अगला जब तक सुनेगा नहीं तो वो इन्वॉल्व कैसे होगा। दैट मीन्स कि ऑफलाइन मीटिंग्स में क्या होता है, आई कॉन्टैक्ट होते हैं, तो वो आपके लिए वहां पर बेनिफिशियल हो जाता है, और ये बेस्ट तरीका है अब तक का बिफोर कोविड, क्योंकि अभी तक जितने भी आपके डायरेक्ट सेलिंग बिजनेसेस इवन मार्केटिंग्स होती थी ना, वो इसी पैटर्न पे होती थी। दैट मीन्स ऑफलाइन मीटिंग्स गैदर करके या कहीं जा करके या कुछ लोगों को अपने घर पर बुला। और इसमें बेस्ट पार्ट क्या होता है कि अगर हम ऑफलाइन मीटिंग्स करते हैं तो ऑफलाइन मीटिंग्स का फायदा क्या होता है कि आप वहां पर डेमो कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। ये जैसे ये मैंने अपने सोसाइटी में किया था, सर मेरे साथ थे उस समय, तो हम लोगों ने ये इस तरीके का कॉर्नर किया था। अब यहाँ पे क्या फायदा मिला कि अगर हम डेमो डिस्प्ले कर रहे हैं तो उससे बहुत सारे लोगों को एक बार में पता चला कि ऐसा कोई चीज है जो हमारी सोसाइटी में कोई कर रहा। अब शायद मैं उस चीज को सिंगल सिंगल नहीं बता पाती, क्योंकि जो ग्रुप्स होते हैं उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, और रिस्ट्रिक्टेड मैसेजेस के लिए होते हैं कि आप इस टाइप के मैसेज डाल सकते हो, उस टाइप के नहीं डाल सकते हो ना, तो वहां पर थोड़ा हमारे पास रिस्ट्रिक्शन होता है। बट अगर हम ओपन कॉर्नर कुछ भी लगा रहे हैं तो वहां पर हमारे पास कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, और एवरीवन विच शो कि आप किसी को भी किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं। वो उसके ऊपर है कि उसको पेस्ट देखना है, उसको शैम्पू देखना है, उसको लिक्विड डिटर्जेंट देखना है, या उसको टॉनिक देखना है, उसको शीट मास्क देखना है, न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स देखना, उसको क्या देखना है वो उसके पास मैटर करता है। यानी कि आप एक साथ बहुत सारे लोगों को अपने बिजनेस में इंगेज कर सकते हैं। एंड द सेकेंड थिंग, आप घर पे होम मीटिंग करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ऑफलाइन, तो आप उसमें क्या करते हैं, वन टू वन इंटरेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है बहुत सारे चीजों को एक साथ लोगों को बता पाने की, जो भी आपके साथ है ना उसको बहुत सारी चीजें एक साथ आप बता सकते हो, मेरे पास ये भी प्रोडक्ट है आप ये भी देख सकते हो, मेरे पास ये भी चीज है आप ये भी देख सकते हो, कोई बात नहीं आप लेना नहीं, आप इसकी वैरायटी देखो, आप इसको टच एंड फील भी आप कराते हो। तो डेमो एंड डिस्प्ले का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, और जब डेमो डिस्प्ले अगर हम लोग करते हैं ना तो लगभग 50% सेल्स वहीं क्लोज हो जाती है, और जब 50% सेल्स क्लोज हो रही है
दैट मीन्स कि आपका काम वहां पर सुपर इजी हो जाता है। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कि हमारी ऑनलाइन मीटिंग ज्यादा अच्छी है या ऑफलाइन मीटिंग ज्यादा अच्छी है, तो यहाँ पर इसको अगर हम लोग समराइज कर लें कि ऑनलाइन मीटिंग के क्या क्या फायदे हैं, ऑनलाइन मीटिंग के फायदे क्या क्या हो गए, लिस्ट एक्सपेंशन, आपकी लिस्ट ज्यादा से ज्यादा क्योंकि सोशल मीडिया पे हो आप, प्रोस्पेक्टिंग, बहुत सारे लोगों के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, टीम रिलेशन बिल्डअप, आप जब उन लोगों के साथ ज्वाइन होते हैं तो एक रिलेशन बिल्डअप होता है, प्रेजेंटेशन, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी आप जब सीखते हैं तो प्लान देना समझ जाते हैं, 10 लोगों से बात करते हैं तो अलग अलग तरीके से कौन प्लान पे फोकस कर रहा है, कौन इन्वेस्टमेंट पे फोकस कर रहा है, कौन इनकम पे फोकस कर रहा है, कौन उसके प्रोडक्ट पे फोकस कर रहा है, आप उस सारी चीजों को देख पाते हैं। ट्रेनिंग्स पे फोकस करते हैं, एक ब्रांड बिल्डअप हो जाता है आपका और एक नया मार्केट आपके लिए ओपन होता है। साथ ही अगर देखा जाए ग्लोबल बिजनेस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा जियोग्राफिकल एक्सपेंशन भी होता है, यानी कि ऑनलाइन के ढेर सारे फायदे हैं। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑफलाइन, तो ऑफलाइन के भी हमारे फायदे जो हैं, वहां पर रिलेशनशिप बिल्डअप हो पाता है क्योंकि आप एक दूसरे के साथ आई कॉन्टेक्ट पे रहते हैं, सेल्स क्लोजिंग होती है डेफिनेटली, अगर वो आपसे मिलने के लिए आ रहा है, आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में बखूबी जानकारी है तो वहां पे आपके प्रोडक्ट रिटेल होते हैं और क्योंकि वो यूज करके देख रहे हैं प्रोडक्टों को, इंस्टेंट बेनिफिट वाले, तो सेल्स क्लोज होनी ही होती है, बहुत सारे लोग ज्वाइनिंग करते भी हैं, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर भी करते हैं, एज अ कंज्यूमर भी करते हैं। फेथ बिल्डिंग होता है कि ये सिर्फ हवा में बातें नहीं कर रही है या कर रहा है, ये एक्चुअली इस चीज पर काम कर रहा है फोकस्ड वे। प्रोडक्ट एक्सपेंशन होता है, आपके पास वैरायटी होती है, आप उसे सारी वैरायटी दिखा सकते हो, अच्छा कोई नहीं आपको लेना नहीं है मत लेना, ये भी देख लो हमारा नया चीज आया, ये तो अभी हमारा नया लॉन्च हुआ है, कुछ नहीं हो तो उसके पिक्चर्स भी आप उसको शो कर सकते हो, जैसे आपका कमिंग प्रोडक्ट है उसके बारे में। और यहाँ से अगर आपकी सेल क्लोज हो गई, अगले ने ज्वाइन कर लिया, तो आपके बिजनेस के लिए नए एसोसिएट्स भी मिल सकते। तो अब जहां तक मैं समझ पाई हूँ कि आप सभी लोगों का ये जो डाउट था कि ऑफलाइन मीटिंग ज्यादा अच्छी है या ऑनलाइन मीटिंग ज्यादा अच्छी है, ये भ्रम तो अब सभी का खत्म हो गया होगा। किसको क्या करना है वो आप सभी लोगों पर निर्भर करता है, क्योंकि हर किसी चीज की अपनी एक वैल्यू है, आइदर ऑफलाइन और ऑनलाइन, करना ही है आपको दोनों में से जो भी आपको सूट करता। तो इसी के साथ यहीं पे मैं अपना सेशन फिनिश करती हूँ और आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मेरे सेशन को इतने पेशेंस के साथ सुना, और आपके साथ कुछ डाउट्स जो रहे होंगे वो भी क्लियर हो चुके होंगे, और अगर कुछ डाउट्स होंगे तो वो हम लोग ले